अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 9 महीने में पाकिस्तान में 6 भारतीय कैदियों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे को इस्लामाबाद के सामने भारत सरकार उठा चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान में भारतीय कैदियों की मौत के बढ़ते मामले सरकार के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने में 6 भारतीय कैदियों की पाकिस्तान में मौत हुई है, जिसमें 5 मछुआरे भी शामिल है। बागची ने कहा कि हालात काफी चिंताजनक है, क्योंकि इन सभी ने अपनी सजा पूरी कर ली थी और इन्हें अवैध तरीके से पाकिस्तान की जेलों में बंद करके रखा गया था। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को पड़ोसी मुल्क के समक्ष उठाया है। इस मसले को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने भी उठाया है। प्रवक्ता ने कहा है कि यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह अपने मुल्क में भारतीय कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि पाकिस्तान फौरन सभी भारतीय कैदियों की रिहाई और वापसी सुनिश्चित करे। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा था कि सरकार ने हमेशा भारतीय मछुआरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पाकिस्तानी हिरासत से उनकी जल्द रिहाई के लिए सभी सहायता प्रदान की जा रही है। लेकिन सरकार के इस दावे के बावजूद सजा काट चुके भारतीय कैदियों की रिहाई के बजाय उनकी मौत की खबरें आ रही है। भारतीय मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की जब्ती के मामले को बार बार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जाता है और यह बताया जाता है कि इस मुद्दे पर मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इससे पहले 20 जून को पाकिस्तान सरकार द्वारा अटारी बाघा सीमा के माध्यम से 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया था। अनजाने में पाकिस्तानी जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मछुआरों को 4 साल जेल में सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया था। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।